ये तुम लोगों का सैम्पल पेपर वन का क्वेश्चन नंबर सिक्स का टू है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो है ये तुम लोगों के ट्रायंगल्स चैप्टर से आया है। ट्रायंगल्स के दो चैप्टर्स हैं, एक है आपका सिमिलैरिटी और दूसरा कौन सा है तुम लोगों का, पाइथागोरस। सिंस यहाँ पे देखते बराबर समझ में आ रहा है कि कोई 90 डिग्री वगैरह की बात नहीं की है, तो ऑब्वियस है कि तुम लोगों को यहाँ पर कोई भी पाइथागोरस थ्योरम वगैरह की शायद नींद ना पड़े। और एक सबसे बड़ी हिंट जो यहाँ पर आपको ऑलरेडी दे के रखी है क्वेश्चन में, कैसा तुम्हें गिवन तलाशना रहता है, ठीक है। तो कैसा आएगा कि बी डी और एंड क्यू एस जो रहेंगे आपके एंगल बाइसेक्टर हैं, बराबर। बी डी और क्यू एस क्या है, तुम लोगों के एंगल बाइसेक्टर हैं। तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से लगानी आती है तुम सभी लोगों को। तो अगर इस ट्रायंगल में तुम लोग एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगाओगे तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ए डी का रेशियो किसके साथ, डी सी के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी बाय डी सी। और ऑब्वियसली कि तुमने फिर बचा हुआ क्या होता है, जो आपकी साइड्स कटी हुई नहीं है उनका रेशियो लेना पड़ता है। तो कौन से वाली, अगर अपन ने यहाँ से ए से स्टार्ट किया है तो उधर से भी तुम क्या करोगे, ठीक है, ए से ही स्टार्ट करोगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन में बी सी। और यहाँ पर अगर ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये क्या आएगा, पी एस अपॉन में ये एस आर, ठीक है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर ये पी क्यू, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका क्यू आर। ये इस तरीके से इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोगों ने क्या लगा ली, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगा ली। मतलब क्वेश्चन में आपको जो सेक बी डी एंड सेक क्यू एस आपको एंगल बाइसेक्टर दिए थे, उस प्रॉपर्टी को, उस स्टेटमेंट को तुमने क्या किया, बहुत ही अच्छे से यूज़ कर लिया। अब उसने कुछ और भी आपको गिवन में देके रखा है। गिवन में क्या दिया है उसने कि ए डी अपॉन, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मैं ने इक्वेशन दे देती हूँ, ठीक है। तो तुम्हें गिवन में क्या दिया है कि जो आपका ए डी है वो कैसा है, अपॉन पी एस इक्वल टू डी सी अपॉन में एस आर। तो एक काम करो, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में आप अल्टरनेंडो की क्या करो, प्रॉपर्टी लगा दो। तो अल्टरनेंडो की जब प्रॉपर्टी लगाओगे, डी सी यहाँ आ जाएगा और पी सी यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो देयर फोर प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, ए डी अपॉन में डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन में, ठीक है, पी एस अपॉन में एस आर। ये आपको यहाँ से प्रॉपर्टी मिल गई। अब तुम्हारे पास कैसा, तीन इक्वेशंस हैं, तीन इक्वेशंस को ध्यान से देखो, ए डी बाई डी सी और पी एस बाय एस आर, ये लोग आपस में इक्वल दिए हैं, ठीक है। और वही ए डी बाई डी सी और वही पी एस अपॉन एस आर किसके इक्वल दिया है, ए बी बाई बी सी के और पी क्यू बाई क्यू आर के। तो वही हमारा पुराना घिसा पिटा ट्रांसटिविटी की प्रॉपर्टी, कि अगर ए जो है वो बी का फ्रेंड है और अगर बी जो है वो सी का फ्रेंड है, तो ऑब्वियस है कि ए और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, फ्रेंड हो जाएंगे। तो इसका मतलब देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हम लोग क्या कह सकते हैं, ए डी बाई डी सी पी एस बाय एस आर के इक्वल है। मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो देयर फोर आपका जो ए बी बाई बी सी होगा और जो तुम्हारा पी क्यू बाई क्यू आर होंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आई ये वाली बात। तो यानी कि जो तुम लोगों को एंगल बाइसेक्टर की हिंट दी थी, उससे सबसे पहले हमने एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगाई, जो तुम्हें गिवन दिया था उस गिवन वाली इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा अल्टरनेंडो लगाया, और उस इन्फॉर्मेशन को सजा धजा कर तुमने किस फॉर्मेट में ले आए, अपने इस इक्वल टू के फॉर्मेट में, कि आपको वो दो चीज़ें इक्वल दी हैं। और भी कुछ क्वेश्चन में दिया है, जैसे हम लोग ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर चुके हैं, तो और भी कुछ दिया है, वो क्या दिया है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो एंगल है ए बी सी और ये जो एंगल है पी क्यू आर, ठीक है, ये एंगल आपका ए बी सी और ये एंगल आपका पी क्यू आर, ये दोनों एंगल्स कैसे दिए हुए हैं तुम लोगों को, इक्वल दिए हैं। और तुम्हें क्या प्रूफ करना है, दोनों ट्राइंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के आपके पास बहुत सारे मतलब टेस्ट होते हैं, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी वगैरह। तो हम ये देखेंगे कि हमें इस टेस्ट में मतलब कौन कौन से टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के लिए आपको ट्राइंगल्स के दो एंगल कैसे इक्वल दिए हुए होने चाहिए। मेरे पास यहाँ पे इन दो ट्राइंगल्स में सिर्फ एक पेयर इक्वल दिया है, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल में क्यू। लेकिन तुम ये ध्यान दो, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं चल रही है, सिमिलैरिटी चल रही है। और सिमिलैरिटी में तुम्हें पता होगा कि साइड्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होती हैं, वो कैसी होती हैं, रेशियोज़ में होती हैं। तो देखो जरा यहाँ पर हमने कुछ प्रूफ करके रखा है। क्या प्रूफ करके रखा है हमने, ए बी बाई बी सी इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर। यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, ए बी बाई बी सी इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर। तो तुम ये देखो, ये रहा आपका ए बी
ठीक है, ये रहा तुम्हारा एसी, सॉरी नॉट एसी, ठीक है, आपको क्या लेना है वहाँ पर, आपने एक लिया ए बी और ये रहा आपका बी सी, और दूसरा क्या है आपका पी क्यू, ये रहा तुम्हारा पी क्यू, ये रहा तुम्हारा क्यू आर, तो यानी कि ये जो दो साइड्स हैं, ठीक है, ये जो आपकी दो साइड्स हैं, एक ये वाली साइड, ठीक है, कौन सी वाली, बस को अच्छे से मार्क कर लेते हैं हम लोग, आपकी एक ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों का रेशो और ये वाली साइड और इस वाली साइड का रेशो आपस में इक्वल है, और पहले की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये एंगल्स भी क्या हैं, ये एंगल भी क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या मैं ये नहीं कह सकती कि ये एक साइड है, ये आपको एक एंगल मिल गया और आपको ये क्या मिल गया, एक और साइड, तो एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, देखो बस खत्म हो गया हमारा सवाल, तो बस आपको लिखना क्या है, इसे इक्वेशन नंबर 4 देना है और जिन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है उन दोनों के नाम लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी बाय बी सी आपको इक्वल दिया हुआ है किस चीज़ के, पी क्यू बाय क्यू आर के, ये हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाई, ये उठाई फ्रॉम 4, और साथ ही साथ में और क्या इक्वल दिया है, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, तो ये एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, ये इन्फॉर्मेशन तुम लोगों ने कहाँ से उठाई है, गिवन से उठाई है, तो देयरफोर आपका जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर प्रूफ हो गया है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के, कौन से टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से, एस एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से, ठीक है, तो बस हो गया। अब इसके बाद अगर तुमको, मान लेते हैं कल को ये पूछा जाता कि प्रूफ करो कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर है या फिर ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो डेफिनेटली अगर तुम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो तो तुम क्या कर सकते हो, उनके सी एस ए टी लगाकर आप उनके अंदर एंगल्स में भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हो। तो बस सवाल को देखो, ज्योमेट्री के सवाल को अप्रोच करने का सिंपल तरीका ये होता है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन रहती है उस गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप चलते जाएं, ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चलते जाओ, फिर कभी कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। तो याद रखना क्या क्या कर लिया तुम लोगों ने, सबसे पहले जो एंगल बाइसेक्टर की बात कही थी, उस एंगल बाइसेक्टर की बातचीत से हमने उसमें एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगाई, दैट इज द सेकेंड एक्सरसाइज तुम लोगों की सिमिलैरिटी की, ठीक है, इसका अगर प्रूफ वगैरह भूल गए होगे तो अभी इसका एक वीडियो अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज का, उसे एक बार देख लेना। और तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले लिखना कि इन ट्रायंगल ए बी सी आपका बी डी इज दी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट लिखना। मैं अगेन बोल रही हूँ कि मैं तुम लोगों को चीज़ें कंसेप्चुअली समझा के दे रही हूँ, उसको स्टेटमेंट में लिखना तुम्हें, स्टार्टिंग से हम लोगों की ये आदत रही है कि सोल्यूशन छापना नहीं है, उसको आपको स्टेटमेंट में लिखना आपको खुद को आना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर में किसी पॉइंट पर तुम लोग भूल जाओ तो पता तो होना चाहिए कि आगे लिखना क्या है, लाठी के सहारे नहीं चला जा सकता है, ये बात याद रखना। फिर यहाँ पे रीज़न भी दोगे, यहाँ पर आपकी देयरफोर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी करके, और उसके बाद सेम यही चीज़ यहाँ रिपीट करना और इसको रीज़न देना गिवन, और यहाँ लिखना देयरफोर बाय अल्टरनेंडो, तो ये हो गया आपका फ्रॉम 1, 2 एंड 3 और ये इक्वल, और दोनों ट्रायंगल में एस ए एस टेस्ट, सॉरी एस इक्विपमेंट, यहाँ मिस्टेक हो गई, एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से आपके दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, चलो।